नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। मुंबई के एक फाइव स्टार होटल में हिंदी सॉन्ग रूह का पोस्टर लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान इस गाने से जुड़े तमाम कलाकार उपस्थित थे। बता दें कि टी सीरीज ने हाल ही में अपना सॉन्ग रूह रिलीज किया है। गाने में सिने जगत के उभरते कलाकार राजवीर वत्स ने दमदार अभिनय किया है और कमल खान ने अपनी सुरीली आवाज़ का जादू बिखेरा है। YouTube पर इस गाने को अब तक सैकड़ों लोग देख चुके हैं, साथ ही राजवीर वत्स की लोग खूब सराहना कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। आज गाना बॉम्बे के ऑडियंस के सामने आज लॉन्च हुआ है और आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम होपिंग दैट कि बॉम्बे मुझे उतना ही प्यार देगा जितना मुझे पंजाब दिल्ली एंड जयपुर ने दिया। एंड सो आई एम रियली क्यूरियस एंड आई एम रियली हैप्पी दैट कि ऐसा लॉन्च और ऐसा केक कटिंग मेरी बॉम्बे में, जैसे हम एक ड्रीम सिटी कहते हैं, मेरे लिए एक ड्रीम सिटी और मैं चाहूँगा कि ये ड्रीम आप सबके जरिए ही पूरी हो। इस तरह से रूह सबकी कांटे की आपका सॉन्ग सुनने के बाद। देखिए रूह का मतलब ही सोल होता है और सोल, ये गाना इस तरह है कि आपकी सोल को टच करेगा। ये गाना जब ने सही बोला टी सीरीज़ के थ्रू आ रहा है, गाया कमाल खान ने और इसकी वीडियो रॉबी सिंह से है। सो इस गाने को जब आप देखेंगे और जब आप सुनेंगे सो मैं ये कह सकता हूँ आप टाइटल से रिलेट करेंगे, रूह से आपके रूह को ये गाना ज़रूर छुएगा। और ये गाना की लोकेशन बहुत ब्यूटीफुल है, ये गाना लवासा में शूट हुआ है एंड जिस तरह से ये वीडियो में आई है वो लोकेशन और इट्स ब्यूटीफुल। पंजाबी पॉप बहुत चल रहे हैं, काफ़ी नए नए गायक उभरते कलाकार भी आ रहे हैं जी, आपने अचानक हिंदी की तरफ कैसे रुख कर दिया? देखिए अगर आपने सही बोला पंजाबी, बट पंजाबी जो भी है वो बहुत अभी कहते हैं भी ज़्यादा वास्ट नहीं है। हिंदी ऐसा है जो हर एक रीजन सुनना पसंद करता है। हम लोग दिल्ली और बॉम्बे के साथ साथ हम लोग राजस्थान ऐसी जगह पे जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमारा मेन मोटिव है कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो बेसिकली इसकी शूटिंग जो कहाँ कहाँ आपने की है और कैसा लगा आपका अनुभव? जी इसकी शूटिंग लवासा में हुई थी जो पुणे के पास है। सो बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है और उस लोकेशन से मतलब मैं कहूँगा कि इतनी ब्यूटीफुल नेचर थी कि उस नेचर से मुझे एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आई जिससे मुझे मेरा काम निकला है। और मैं कहूँगा कि ये चीज़ भी कि इस वीडियो का कॉन्सेप्ट, इस वीडियो से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और एज एन एक्टर भी बहुत ग्रो किया है और एज एन मैं कहूँगा कि मेरी वास्ट एक नेचर और वास्ट एक आई गई है उससे। जी उसका कारण कुछ ज़्यादा नहीं है, तुषार ऑलरेडी इंडस्ट्री में है सो मैं चाहता था कि इंडस्ट्री को नया नाम दिया जाए तो राजवीर वत्स। और टी सीरीज के साथ में आपने फर्स्ट टाइम काम किया है एंड अब न्यू कमर्शियल है, तो टी सीरीज के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? टी सीरीज एक बहुत बड़ा नाम है और उनके साथ काम करने का बोझ था हम पे कि कैसा होगा, बट मैं कहूँगा कि इस गाने की एग्जीक्यूशन डॉक्टर निम्बल सर ने किया और वो गाने की एग्जीक्यूशन उस गाने का प्रोजेक्टेड इतनी अच्छी थी कि वो प्रेशर ज़्यादा फील नहीं हुआ और वो गाना बहुत स्मूथली आगे चला गया। मेरा नाम डॉक्टर आशुप्रिया है, मैं राजवीर को पिछले 10 साल से जानती हूँ, मेरे फैमिली रिलेशंस हैं उनके साथ और ये काफ़ी बचपन से कुछ इसी तरह से करना चाहता था और किसी तरह से मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स में चीज़ें थी और इसने इसी लाइन को बहुत पैशनेट तरीके से अपनाया हुआ था मन ही मन में, तो इसे इंग्लैंड भेजा गया है आगे की स्टडीज़ के लिए, जो कि एक्टिंग का जो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर हमने सीखने का इंग्लैंड के जरिए दिलाया है। इसने वहाँ पर लमाडा में एक बहुत अच्छा कोर्स किया है एक्टिंग का और एक्टिंग की डिटेल्स आप इनसे पूछ सकते हैं, काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। वहाँ से वापस आने के बाद इसे हमने इंडियन थिएटर के जो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं चक्रेश कुमार, उसके साथ इसकी एसोसिएशन रही है, वहाँ से इसने 2 साल उनके अंदर ट्रेनिंग की है और मुझे लगता है कि इसका बाहर का एक्सपोजर जो ब्रिटिश स्टाइल ऑफ एक्टिंग और यहाँ का जो इंडियन थिएटर की जो इसने बारीकियाँ सीखी हैं दोनों इसने बहुत यंग एज में सीख ली हैं
और बहुत अच्छे से उभर के आया। तो हम इसे एक्सपोजर फिल्मों के ज़रिए भी करा सकते थे, पर सबसे पहले हमने सोचा एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं एक गाने के ज़रिए, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें टी सीरीज़ के ज़रिए और डॉक्टर निर्मल सिंह के एफर्ट्स के ज़रिए हमें मिला, और इसने काम भी बहुत अच्छा किया है। इतनी यंग एज में मैंने बहुत कम बच्चे देखे हैं जो इतना पैशनेट तरीके से सीखते हैं, और कभी भी किसी भी एक भी दिन मैंने नहीं देखा कि कई बार बहुत सारा स्ट्रगलिंग फेस भी आता है, और इस लाइन में मैंने देखा बहुत स्ट्रेस भी होता है, पर एक भी दिन इसका ऐसा नहीं था कि जहाँ पर इसे लगा कि नहीं मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ या मैं इस तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत ही पैशनेट है इस लाइन को लेके। जी, लेकिन बचपन में ऐसा क्या मतलब आपके साथ में इंसिडेंट हुआ या कौन सा एक्टर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जिसकी वजह से आपको एक्टिंग लाइन में आया? सी, बचपन में हम लोग मूवीज़ को देख के बहुत फैसिनेट हो जाते हैं, हम एक ड्रीमी लैंड में चले जाते हैं, एंड सेम एज कि मेरी ड्रीम थी कि कमर्शियल सिनेमा करूँ, और कमर्शियल सिनेमा संजय दत्त की तरह, मैं संजय दत्त से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, उनकी तरह मूवीज़ करना चाहता हूँ। सो बचपन में ऐसा था कि उनकी कई मूवीज़ की मिमिक करता था, एंड सेम ऐसे करते करते स्कूल लाइफ में मैंने थिएटर स्टार्ट किया, मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, और मेरी डॉक्यूमेंट्री ऑल ओवर चंडीगढ़ सेकेंड आई थी, मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी चंडीगढ़ वॉज अ ग्रीन सिटी, एंड देन उसके बाद मैं लामडा कॉलेज गया लंदन में, एंड देन वहाँ मैंने स्क्रीन एक्टिंग सीखी, एंड जैसे मैम ने बताया वहाँ से वापस आने के बाद थिएटर। तो संजय दत्त की आपको कौन सी सबसे ज़्यादा मूवी पसंद है और उनका इंटरव्यू? उनकी मैं कहूँगा कि उनकी कई मूवीज़ मुझे पसंद है, साजन, खलनायक और वास्तव, और ऐसी कई मूवी हैं, मुसाफिर, डायलॉग इस डायलॉग्स उन तरह जी उसी अंदाज में भी हमें डायलॉग मिलना चाहिए जी, मिमिक करने जी। काफी कुछ तो रणबीर कपूर ने करके दिखाया। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि जिस तरह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस फ्रेशनेस पे है, संजू हमें रणबीर में दिखा, दूसरा संजू बहुत अच्छा काम किया रणबीर कपूर ने। आप उस मूवी को देख के कह नहीं सकते कि बहुत टाइम के बाद आपको याद आता है कि वी आर वाचिंग। एग्जैक्टली, और मैम जिस तरह की उन्होंने किया है अभी सब लोग उस एक्सपेक्टेशन तक हैं, और मैं ये जरूर प्रॉमिस करूंगा कि हाँ आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को जरूर मिलेगा। अच्छा, मुन्ना भाई एमबीबीएस आपने देखी होगी जी, तो उसमें उनके काफी अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं, एकदम आपको उन टाइप में मुंबई या स्टाइल में है। हाँ, तो अगर एक डायलॉग आप हमारे लिए बोल सकते वो कैजुअलिटी में मरने से पहले फॉर्म भरना जरूरी है क्या? जो वो एक सही सुना है, एक हिंदी मूवी का प्लानिंग चल रही है, उसकी स्क्रिप्टिंग एंड अभी उसकी राखी कंप्लीट हुई है, कास्टिंग अभी उसकी बाकी है, एंड समहाउ मेन लीड में मैं हूँ एज अ मेन लीड एक्टर, और वो मूवी एक नॉवल के ऊपर बेस्ड है, वो नॉवल एक टेररिस्ट का चेंज ऑफ हार्ट की कहानी है, उसका टाइटल अभी समहाउ डिसाइडेड नहीं है, बट जो नॉवल का नाम है, नॉवल का नाम बशीर है, एंड शायद वो फ्लोर्स पे नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग तक फ्लोर्स पर आ जाए, 2020 तक एक्सपेक्टेड है रिलीज। कमल सर का मैं कमल सर से पहले मैं निर्मल सर का थैंक्स करूंगा, जिन्होंने ये हमें इतने बड़े नाम से हमें मिला और उनसे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, उनके साथ काम करना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सो उनकी वॉइस इज़ लाइक सोल को टच करने वाली उनकी वॉइस, और मुझे नहीं लगता कि इस गाने को बेटर कोई उनसे गा सकता था, सो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। सर, इस एल्बम के पोस्टर की बात कीजिए तो सिर्फ आप ही देख रहे हैं और दूसरे पोस्टर में सिर्फ लड़की का पैर दिख रहा है। जी जी, वो क्या सस्पेंस है? वो सस्पेंस इसलिए है कि आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को वीडियो से इस पोस्टर से आप समहाउ रिलेट करेंगे, क्योंकि इस वीडियो अगर इस पोस्टर में देखा जाए तो दो करेक्टर शो हो रहे हैं, इस करेक्टर इस पोस्टर में थोड़ा एक बबली सा करेक्टर, इसमें थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, सब आप वीडियो देखेंगे आप लोगों को ये शायद समझ आ जाएगा। जी जी, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि एक ऐसा नहीं लगा था कि किसी एक मिस इंडिया या हमारे एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ काम करना एक अच्छा एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में, जहाँ से हम दोनों ने एक अच्छा काम किया और बर्डन नहीं हम दोनों को एक दूसरे के साथ फील हुआ कि यार लाइक मैं न्यू कमर हूँ यार वो एस्टैब्लिश एक्ट्रेस हैं। तो स्ट्रगलिंग टाइम पे कभी ऐसा लगा कि मतलब अभी ये बुरा वक्त है तो मतलब किस तरह से कभी हार वाला कुछ सीन आया ऐसा? मैं इसी पीरियड से डरता था, सो इस पीरियड को अगर हम एग्जीक्यूशन में वो हम डाल दें लाइक थिएटर करने के लिए, सो आपके ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आते, जैसे जब भी मुझे समो ऐसी एक फीलिंग आती तो आई यूज़ टू इम्प्रोवाइज, आई यूज़ टू मैं थिएटर करता था, एंड तो ऐसे थॉट्स वो उसी टाइम चले जाते, बिकॉज खुद पे कॉन्फिडेंस होगा
so we can deliver the best thing. मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी बात है, जैसे कि न्यू कमर के लिए एक बेस्ट चीज़ हुई है, क्योंकि अब जो आज की ऑडियंस है वो करेक्टर रोल्स को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रही है. जैसे हम संजू की बात करें, विकी कौशल को देखा जाए, और ऐसे सेम एज रणबीर कपूर एंड बहुत ऐसे सारे करेक्टर्स हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड, तो मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छी चीज़ है. और थिएटर करने के बाद कुछ इस तरह ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना एक वर्शिप ही होती है एक्टर की. कई बार फैमिलीज, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो अपने बच्चों को इंडस्ट्री में नहीं जाने देती, बहुत तरीके की बातें सामने आती हैं. सी मेरे फैमिली में मेरे लिए रुकावट तो मैं कहूँगा कोई भी नहीं था, बिकॉज मुझसे ज़्यादा पैशनेट मेरे डैड थे और सेम एज माई मदर. सो मेरे डैड का सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा, मेरी मॉम का भी मैं कहूँगा कि एक इतनी बड़ी चीज़ें मेरे साथ होगी, बट ऐसा प्रेशराइज कभी नहीं हुआ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे मेरे साथ एंड मुझे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना था और मैं सिर्फ वही कर रहा था. बाकी एग्जीक्यूशन में सवा शुक्रिया मैम, निर्मल सर, मैम पेरेंट्स, मैं सबका थैंक्स ही कर सकता हूँ. मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ रूह को प्यार दीजिए एंड मैं चाहता हूँ कि बॉम्बे आया हूँ तो बॉम्बे के लोग मुझे अपनाएं और कहें कि लाइक जिस तरह से आपने ज़्यादा पंजाबी आर्टिस्ट और पंजाबी लोगों को अपनाया तो इस तरह से मैं भी बॉम्बे में अपनी पहचान बना सकूँ एंड आप लोग जल्दी मुझे देखेंगे. तो चल फिर मिले यूं, तो चल फिर मिले यूं, तू हवा मैं धुआं. राजवीर बस जी का आज एल्बम रिलीज हुआ है बॉम्बे में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं. और उनकी टीम को जो हेड करती है मैं माशु प्रिया जी, जो पिछले 4-5 सालों से राजवीर के लिए सब कुछ मैनेज कर रही हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. राजवीर बस जी बहुत तरक्की करें एक्टिंग में, बॉम्बे में, पूरे वर्ल्ड वाइड छा जाएँ, हमारी शुभकामनाएँ हैं. बहुत बहुत मुबारक. मैं भी यही कहना चाहूँगा, राजवीर मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड भी है और मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि वो अपनी लाइफ में और मतलब कि बॉलीवुड में बहुत आगे बढ़े. और जैसे कि आज आप सब राजवीर को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें. और लाइफ में मेरा ब्रदर, मेरा फ्रेंड इस बॉलीवुड के अंदर छा जाए. फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़.